औरैया में 50 बेड का अस्पताल का सरकारी सामान कबाड़ी की दुकान में बेचने का मामला सामने आया, जबकि नियमानुसार सरकारी सामान यदि कबाड़ भी हो जाता है तो उसकी नीलामी की जाती है, लेकिन नीलामी की जगह चोरी छिपे कबाड़ की दुकान पर बेच दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कबाड़ की दुकान पर 2 लोहे की मेज, 5 स्ट्रेचर, 1 बेड समेत कई सरकारी सामान पड़ा है। सामान बेचे जाने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच चला। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर प्रमोद कटियार पर सामान बेचने का आरोप लगा है। वह इस पूरे मामले पर सीएमओ डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने जांच के भी आदेश दिए हैं। अस्पताल में आई हुई थी और हमारे, चूँकि आपको मालूम है कि हमारा अस्पताल पहले CSC था, CSC से अपग्रेड करके इसको जिला अस्पताल बनाया गया, इसलिए इसमें जगह की काफ़ी कमी है। यहाँ तक कि जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था है वो भी बेहतर तरीके से मैनेज नहीं हो पाती है। तो चूँकि हमारा अगर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है तो जो टीम आती है वो उसके हिसाब से नंबर देती है हमें, और कोई भी सामान अगर इधर उधर पड़ा है, कन्नम है, ख़राब है, काम की लायक नहीं है, तो उसके नंबर कट जाते हैं, नंबर नहीं मिलते उसके। तो समय समय पे हमें उसको सामान को हटाना होता है। अगर कोई ठीक करने लायक सामान है तो उसको ठीक जगह रखवा देते हैं, अगर लगता है कि वो सामान ठीक होने लायक नहीं है तो उसको कंडमनेशन के लिए बाहर भेज देते हैं या कहिए भेज देते हैं। उसके लिए हमारे पास पूरी कंडमनेशन एक कमेटी बनी हुई है जिसमें 4 लोग हैं, 4 चिकित्सक हैं, उसमें एक चीफ फार्मासिस्ट हैं, बाकायदा उसको देखते हैं, जो सामान जाता है उसकी रसीद लेके आते हैं कि कितने रुपए का सामान बिका, उस सामान उसके जो पैसा मिलता है उसको रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा किया जाता है। कल भी जो ये मामला आ रहा है उसको सामान को बेचा गया है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लगभग 1400-1500 रुपये के आसपास का वो सामान बिका है, उसका बाकायदा बिल वहाँ से लिया गया है वहाँ से, और जो पैसा मिला है उस पैसे को रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा करा दिया गया है। हाँ, ये मीडिया द्वारा ये बात हमारे संज्ञान में आई है, इसको मैंने संज्ञान में लिया है और इसकी जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNews/